सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेदिक जीवन को और बेल आइकन को दबाइए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक जीवन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किडनी रोग में इस्तेमाल होने वाला वृक्कदोसरक्वात के बारे में। दोस्तों, ये वृक्कदोसरक्वात किडनी से जुड़े सभी तरह के रोग जैसे किडनी स्टोन, किडनी फेलर, किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज, किडनी पेन, यूरिन में खून आना, यूरिन का कलर काला या पीला होना, मूत्रकिच्छ होना, ब्लड में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन आदि बढ़ जाना आदि सभी तरह के रोग में इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में मैं पतंजलि दिव्य वृक्कदोसरक्वात का कंप्लीट रिव्यू करूँगा और इसके फायदे और इस्तेमाल के बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, किडनी हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। यह हमारे खून से दूषित पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड आदि को शरीर से बाहर निकाल फेंकता है और इन दूषित पदार्थों से होने वाले सभी तरह के रोग से हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन हमारे बहुत सारे बुरे आदतों की वजह से हमारा किडनी में खराबी आती है और किडनी रोग होता है और कभी कभी किडनी खराब भी हो जाता है। हमारे कौन से आदतों की वजह से किडनी खराब होता है, इसके बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। किडनी के सभी तरह के रोग के निदान के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे जड़ी बूटी होते हैं। ऐसे 25 से 30 जड़ी बूटी को सूखा के सही मात्रा में लेके कूट के इस वृक्कदोसरक्वात को बनाया जाता है। दिव्य वृक्कदोसरक्वात कुछ इस तरह के पैक में आता है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह के प्लास्टिक के पैक में आता है वृक्कदोसरक्वात और ये 100 ग्राम का पैक है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है और इसका मार्केट प्राइस भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 40 रुपये में पतंजलि स्टोर पर मिल जाता है और इसकी वैलिडिटी यानी एक्सपायरी 2 साल की होती है। मैन्युफैक्चरिंग डेट से 2 साल तक यूज़ किया जा सकता है इसको। और इसके डोजेस और इंडिकेशंस भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। डोजेस दिया गया है एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन यानी डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही लें इसको। और इंडिकेशंस दिए हैं यूजफुल इन ओलिगो यूरिया, किडनी डिसऑर्डर, रिनल एंड यूरेट्रिक कैलकुलस। और इसके सेवन विधि है 5 से 10 ग्राम क्वाथ चूर्ण को 400 मिलीलीटर पानी में पकाएं। 100 मिलीलीटर शेष रहने पर छानकर वह ठंडा कर सुबह नाश्ते से 1 या 2 घंटे पहले खाली पेट पिएं तथा शाम को पुनः इस विधि को क्वाथ बनाकर भोजन से 1 या 2 घंटे पहले पिएं या वैद्य की परामर्श के अनुसार सेवन करें। और दोस्तों, इसमें क्या क्या जड़ी बूटी डाले गए हैं ये भी यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है चार्ट के रूप में। और दोस्तों, इस पैक में वृक्कदोसरक्वात कुछ इस तरह का होता है, कुछ ऐसे भूसे के रूप में आता है वृक्कदोसरक्वात, यहाँ पर देख सकते हैं आप। दोस्तों, आइए अब जानते हैं इस वृक्कदोसरक्वात के बहुत सारे फायदे के बारे में। और दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, वृक्कदोसरक्वात और वृक्कदोसर बट्टी के फायदे लगभग एक ही होते हैं, बस इनके सेवन विधि अलग अलग होते हैं। वृक्कदोसर बट्टी के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, ये वृक्कदोसरक्वात किडनी के सभी तरह के रोग को ठीक करने के लिए एक कारगर औषधि है। ये दवा किडनी या यूटीआई की स्टोन के लिए बहुत ही असरदार औषधि है। इसके रेगुलर इस्तेमाल से किडनी स्टोन पिघल के मूत्र नली से निकल जाता है। किडनी फेलर रोग में भी इसके इस्तेमाल से बहुत लाभ मिलता है। ये दवा किडनी फेलर के वजह से ब्लड में यूरिया, यूरिक एसिड या क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो इसके सेवन से वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ये दवा यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए भी कारगर औषधि है। ये मूत्रकिच्छ यानी पेशाब का रुक रुक के आना, पेशाब का कलर काला या पीला होना आदि रोग को भी ठीक करता है। ये पेशाब में प्रोटीन या क्रिस्टल आने की समस्या को भी ठीक करता है। ये औषधि क्रॉनिक किडनी फेलर जैसे रोग में भी बहुत यूज किया जाता है। इसके नियमित सेवन से किडनी के सभी क्रियाएं ठीक हो जाते हैं और किडनी फिर से काम करने लगता है। ऐसे ही ये दवा सभी तरह के मूत्रघात और किडनी रोग को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।